नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, किसी भी देश का विकास तभी होता है जब देश के सारे लोग एक साथ मिलके जेंडर बायस ना करते हुए एक साथ काम करते हैं। तो ऐसा ही एक आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज में सामने आ रहा है। ये प्रेस रिलीज आया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से। उन्होंने जानकारी दी है कि अपने देश में कितनी महिलाएं हैं जो एक्चुअली काम कर रही है। ये डेटा उन्होंने दिया है, 18-19 का एक डेटा दिया है, और 18-19 में एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, और ये सर्वे के तहत उन्होंने जानकारी दी है कि 15 साल से ऊपर काम करने वाले हर राज्य के हिसाब से कितने आदमी काम करते हैं और कितनी महिलाएं काम करती है, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है। अपने देश में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है क्योंकि उनको घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते बाहर के काम भी कर लेते हैं और घर को और अपने देश को विकास की तरफ लेके जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कायदों में बहुत सारे बदलाव किए थे। जैसे उन्होंने मैटरनिटी लीव की अगर बात करें तो उन्होंने 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी थी। साथ ही साथ चाइल्ड केयर सेंटर की बात भी गवर्नमेंट ने बोली थी। जो कंपनी में 50 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं वहाँ पे चाइल्ड सेंटर फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा गवर्नमेंट ने कायदा बनाया था। साथ ही साथ वीमेन वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने नाइट शिफ्ट भी अलाउड करी थी, सेफ्टी मेजर्स लेने को बोले थे कंपनीज को, और साथ ही साथ जो वीमेन है उनको माइंस में काम करने की भी अनुमति दी गई थी। वीमेन अबो ग्राउंड काम कर सकते और साथ ही साथ अंडरग्राउंड काम करने की भी अनुमति दी थी। अंडरग्राउंड वीमेन काम कर सकती है शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने वेजेस का कोड लाया था, वहाँ पे भी ऐसा बोला था कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे जब आप वेजेस पे करोगे, मतलब आदमी को ज़्यादा वेजेस औरत को कम वेजेस ऐसा आप नहीं करोगे, ऐसी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोड ऑफ वेजेस में बात करी हुई है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है अगर सेम टाइप का काम सेम वर्कर कर रहे हैं तो जेंडर बायसनेस नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आप जेंडर बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं करोगे, मतलब आदमी को नौकरी मिलेगी औरत को नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा आप नहीं कर सकते। अनलेस कोई ऐसा काम ना हो कि जहाँ पे जो औरतें काम नहीं कर सकती, महिलाएं अगर कोई काम नहीं कर सकती, फिजिकल टाइप का कोई काम हो तो वैसा वाला काम वो नहीं कर सकती तो ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं बरतोगे, ये बात भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोली थी। तो आइए जानते हैं कि कौन से राज्यों में कितने परसेंटेज महिलाएं काम कर रही है और कितने परसेंटेज आदमी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 45% महिलाएं काम कर रही है, अरुणाचल प्रदेश 15%, आसाम 11%, आदमी जो है हर राज्य में बट ऑब्वियस है 70% से ज्यादा काम कर रहे हैं, 60-70% से ज्यादा हर राज्य में आदमी काम कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली में तो 84, छत्तीसगढ़ में 81% आदमी काम कर रहे हैं। वही अगर हम महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 52.6% महिलाएं काम कर रही है, और साथ ही साथ गुजरात में 25% महिलाएं काम कर रही है, हिमाचल प्रदेश में 59.4% महिलाएं काम कर रही है, बिहार में सिर्फ 4% महिलाएं काम कर रही है, कर्नाटका में 27%, केरला में 26%, मध्य प्रदेश में 31% और महाराष्ट्र में 37.3% महिलाएं काम कर रही थी, मणिपुर में 21.7%, मेघालय में 55% महिलाएं काम कर रही थी, नागालैंड में 19.3%, ओडिशा में 24.2%, राजस्थान में 35.9%, सिक्किम में 54% महिलाएं काम कर रही थी, तमिलनाडु में 41.5% महिलाएं काम कर रही थी, उत्तर प्रदेश में 14.6% महिलाएं काम कर रही थी, वेस्ट बंगाल में 20.6%, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली में 65.3% और पौंडीचेरी की हम बात करें तो 37.4%, ओवरऑल इंडिया में 72.2% मेल और 25.5% फीमेल काम कर रही थी। तो ये गवर्नमेंट ने रेशियो दिया है और ये रेशियो उन्होंने परसेंटेज रेशियो में दिया है, पॉपुलेशन रेशियो से ये किया हुआ है कैलकुलेशन। तो आपके इस बारे में क्या राय है कि कौन से राज्यों में अभी भी महिलाएं काम नहीं कर रही है, बहुत कम संख्या में काम कर रही है, ऐसे राज्यों की हम बात करें तो आता है बिहार, उसके बाद आता है
आसाम, आसाम फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, हरियाणा में महिलाएं कम काम कर रही है ऐसा नज़र आ रहा है, गृहस्थी संभाल रही है। नागालैंड की बात करें, पंजाब की बात करें, पंजाब में 17% महिलाएं काम कर रही है। त्रिपुरा में हम देखें तो काम कम कर रहे हैं, दमन दीव में कम काम कर रहे हैं, लक्षद्वीप में कम काम कर रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।